कितने लोग काम में बेचारे, ये तो फायदा भी हम यूनिवर्सिटी में किया, जितना हम लोग काम पाया है ना उतना तेरी खाल देड़ूंगा, तुम्हार चक्की पीसेगा तेरी होगी प्रिंसिपल के लिए, तो अभी रिपोर्ट ले रहा हूँ उसको दर्ज करूंगा। तुमने सारे धर्मशाला की क्या क्या कर रखा है, क्या धंधा कर रखा है, इसके कहने से परेशान कर रहा तुमको, बताइए नाम बताइए आप, किसने मना किया तेरे को दस्तखत नहीं करेगा, सच बताओ तेरे बाप का राज है, कैसे नहीं दस्तखत करेगा, दस्तखत ये सर, अरे आप छोड़िए आप तो करेगा तो आप तो पचास साल करेगा, ये नहीं सर, ऐसे देखो ना सबके दस्तखत किए सर, ये तो सवेरे करवा दिए सबके दस्तखत, देखो ना मैं करवा के गया था सर, ये देखिए सर तुमने क्या क्या तमाशा बना रखा है, एक महीने बाद बोला ना आपने बेटा रिपोर्ट लिखो तुम पहले सबसे पहले सब साइड करिए, सब साइड करिए, पता नहीं कितने बच्चों को इसी तरह करेगा नहीं तो, अरे तुम तो आज हमारे सामने खड़े हो यहाँ, पता नहीं कितने बच्चे रो रहे हैं, रोज रो रहे हैं, मुझे कोई फोन ऐसा नहीं जिससे दिन में 10 फोन नीम्स के नहीं आते हैं कि साहब हम यूं तड़प रहे हैं, हम यूं तड़प रहे हैं, वो बच्ची बेचारी जिसका कल हमने दर्ज किया है, वो बच्ची लग रहे हो उसमें मतलब मन नहीं लगा, कितने दिन से बैठ रहे हो देखूंगा मैं कितने बार आ रहे बच्चे हैं, ये क्या ध्यान करेंगे समाज में जाके, जब तुमने इतना प्रताड़ित होके जाएंगे तो ये तीन तीन करोड़ का तुमने नीचे ला दिए, इनसे ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हो क्या, जाते ही घूम पिए ना पब्लिक का, ये तो बिल वसूली करेंगे अपनी, क्योंकि तुमने सिखाया ही इसको, बच्चों को जो आपने डिटेन किया हुआ है सर, मैंने नहीं डिटेन किया, यूनिवर्सिटी को मैंने उसको डिटेन नहीं किया है, अच्छा तो फिर वो बच्चों का कैसे चार चार कर रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं बस चल रहा है, आयुष दोबारा क्यों से दिलवाया, अटेंडेंस की वजह से इन लोगों ने खाली कागज देना, हमारा टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, हम चक्कर भी काट रहे हैं एडमिन के, कभी यहाँ के कभी काट, लिख के दो जो फटाफट लिख के दो, समस्या है फटाफट लिख के दो, अभी एप्लीकेशन लिख दो।